अम्बाला में रोडवेज ड्राइवर की हत्या को लेकर हरियाणा भर में रोडवेज कर्मचारियों ने चक्कागाम किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि यमुनानगर में भी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से जो यात्री है वो परेशान। आप तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो है बस स्टैंड है और बस स्टैंड पर जो है कोई भी बस जो है जो डिपो से है वो बाहर नहीं निकल रही है। मजबूरन जो है यात्रियों को प्राइवेट बसों का सहारा लेना पड़ रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि प्राइवेट बस है और ये बस जो है कुछ ही मिनटों में यहाँ से भरकर जो है पूरी तरह से खचाखच भरकर यहाँ से अपने गंतव्य स्थान तक जाएगी। आप देख सकते हैं कि यात्री कितने परेशान है। बहुत से यात्रियों को ये मालूम नहीं था कि आज रोडवेज जो है चक्का जाम करेंगे। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि तस्वीरें ऐसी हैं जिस तरह से कोई मेला लगा हुआ है। किसी यात्री को करनाल जाना है, किसी को कुरुक्षेत्र जाना है। आंटी कहाँ जा रहे हैं आप? सोनीपत। कैसे जाओगे? देखो कैसे जा सकते, मिल गया। आपको नहीं पता था कि आज चक्का जाम है? कह रहे प्राइवेट बस से चलते हैं। अच्छा, तो प्राइवेट बस में जाओगे? प्राइवेट बस में तो भीड़ बहुत है। देखेंगे जब जगह होएगी तो चल जाएंगे, नहीं तो वापस कर। आप कहाँ जा रहे हो? अम्बाला। अम्बाला जाओगे? हाँ जी। तो कैसे जाओगे? देखते हैं, अभी बस मिलेगी तो चले जाएंगे, नहीं तो घर चले जाएंगे। बस के ऊपर बात है, कह रहे अभी गई तो अम्बाला की, बाकी मुझे पता नहीं था कि इस तरह से हड़ताल हो रही है। कब से खड़े हो आप यहाँ पर? 10-15 मिनट हुए वैसे तो अभी मुझे आए हुए। देखते हैं अभी। यमुनानगर के रहने वाले? हाँ जी, लोकल ही हूँ मैं तो। आप भी जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? मैं कहीं नहीं जा रही, मैं तो कमेटी घर जा रही हूँ। अच्छा। ये तमाम यात्री हैं जो है अपने गंतव्य स्थान से पहुँचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हालांकि उनको ये नहीं पता वो कितनी देर में घर पहुँचेंगे और वो किस माध्यम से घर पहुँचेंगे। आप तस्वीर देख सकते हैं कि प्राइवेट बसें हैं, मेरे पीछे देख सकते हैं कि प्राइवेट बसें यहाँ पर खड़ी हुई हैं। प्राइवेट जो बसों के मालिक हैं उनकी चांदी बनी हुई है, वो मनमाने दाम यात्रियों से वसूल रहे हैं और लगातार जो है लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। कहाँ जा रहे हो भाई साहब? करनाल। करनाल जा रहे हो? तो आप तो खड़े हैं, कैसे जाओगे? साथ में देखते हैं भाई क्या मिलता है। बस तो बंद है। वैसे तो बंद है। तो पता था आपको कि आज रोड पर चक्कर जाम? हिमाचल से आए तो नहीं पता। कब से खड़े हो आप? बस अभी 10-15 मिनट हुए। 10-15 मिनट। हाँ, लग रहा है कि टाइम पे पहुँच जाओगे? मुश्किल है। मुश्किल है भैया, मुश्किल है। तो मुश्किल है, पहाड़ी पर जाना भैया, एक घंटे से खड़े हैं। अच्छा। पहले पता नहीं था। अच्छा। और अभी प्रॉब्लम कुकरी भी सोल हो जम तो ये सोच रहे हैं। अच्छा। कुछ भी हल नहीं हो रहा। अच्छा। ये बात कुछ हल नहीं हो रहा, एक घंटा कम से कम यहाँ पे, और पहले पता नहीं था। तो रोडवेज की चक्का जाम की वजह से परेशानी होगी? हाँ, रोडवेज तो ये हड़ताल कर ली ना, तो अपनी गलती कोई मान नहीं रहा। अरे एक गलती की वजह से पूरा मतलब राज्य ही आज बंधन में, पब्लिक परेशान है। पब्लिक की कोई सुन नहीं रही, ना गवर्नमेंट सुन रही, ना कोई और सुन रहा, कुछ ना कुछ हल तो करो। ये तो आप देख सुन सकते हैं कि रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल और सरकार की मनमानी के बाद जो यात्रियों को जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है वो आपने पूरी तरह से सुना है। पंजाब केसरी के लिए परवेज खान, यमुनानगर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।